नमस्कार। अगर आप सोच रहे होंगे कि समाचार करने से पहले मैं सेल्फी क्यों मार रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ तिनसुकिया के एक सेल्फी पॉइंट में। और यह जो सेल्फी पॉइंट है खास है, खास इसीलिए है कि अलग अलग स्थानों पर अब जो सेल्फी पॉइंट का जो प्रोजेक्ट लिया गया था, हर वार्ड कमिश्नर ने जो प्रोजेक्ट लिया सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाने का प्रोजेक्ट लिया, लेकिन तिनसुकिया का 3 नंबर वार्ड का जो सेल्फी पॉइंट है आप देख सकते हैं। और यह सेल्फी पॉइंट का निर्माण जो करने का मूल उद्देश्य था कि जो कचरा फेंका जाता है, जिन जिन स्थानों पर विशेष तौर पर कचरा फेंका जाता है वहाँ लोग कचरा ना फेंके, इसी वजह से यह सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया था। लेकिन जो तिनसुकिया का 3 नंबर वार्ड, हम पहले एपिसोड में दिखा चुके हैं कि जो सड़क की परिस्थिति है, दूसरे एपिसोड में जो कचरा है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का कचरा यहाँ फेंका जाता है। और साथ ही जो सेल्फी पॉइंट जो निर्माण किया गया है, किस तरह का सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं पीछे का पूरा जो दृश्य आपको दिखा लेना चाहूँगा। और बगल में जो है केंद्रीय विद्यालय भी आपको दिखा लेना चाहूँगा, केंद्रीय विद्यालय के बगल में इस सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। और यहाँ जो कचरा में जो बच्चे आते जाते थे, प्रदूषित माहौल हुआ करता था, इसी वजह से यह प्रोजेक्ट यहाँ ज़रूर लिया गया था, लेकिन सेल्फी पॉइंट ही रह गया। और यहाँ लोग सेल्फी लेने नहीं आते, यहाँ नाक बंद करके जाना पड़ता है क्योंकि कचरे का भंडार यहाँ देखा जाता है। और कई लोग मेरे साथ उपस्थित रहेंगे, दादा मैं अपना सुन रही हूँ, आप एडवोकेट है तिनसुकिया के, हर वार्ड में देखा गया कि सेल्फी पॉइंट विशेष तौर पर आकर्षक रहा है, लोग वहाँ जाके सेल्फी क्लिक करते हैं। 3 नंबर वार्ड के एक नागरिक के तौर पर जो यह सेल्फी पॉइंट बनाया गया, आप क्या महसूस करते हैं? ये तो सेल्फी पॉइंट नहीं है ना, ये तो गार्बेज पॉइंट हो गया आज का डेट में। आप खुद ही देखो, ये रास्ता 3-4 साल से ऐसे ही हो के रखा है, आप ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं है, ड्रेन का पानी जो पॉइजनस हो गया, वही जब बारिश गिरते है तो वो पॉइजनस वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम हो गया ना, वो पानी ऑटोमेटिक रास्ते में आ जाता है। और सामने में एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, यहाँ का जो बच्चे लोग हैं जब भी जाते हैं जूता और सॉक्स खुल के जाना पड़ता है उनको स्कूल में, तब खुद ही सोचे ये हालत हो गया आप तिनसुकिया का टाउन का। जो वार्ड कमिश्नर है उनकी भूमिका क्या है, अभी आपने बताया था क्या उन्हें कभी? उनको बोला हुआ था, वो बोला सेंक्शन हो गया, अभी काम चालू होगा, अभी तक तो कोई नहीं हुआ। यह जो कचरा यहाँ फेंका जाता था, विशेष तौर पर जो सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है, इसीलिए रखा गया कि कचरा वहाँ लोग ना फेंके। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है कचरे की वजह से जो प्रदूषण हो रहा था वहाँ से कम निजात पा सके, इसी वजह से यह इस तरह का सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया। लेकिन इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि है कितने गंभीर है, और इस तरह का सेल्फी पॉइंट 3 नंबर वार्ड के जो वासी है उनको शर्मिंदा क्या नहीं कर रहा? हाँ, हम लोग को खुद को ऐसे लग रहा है हमको, जो ये जो हम लोग जो करंट जो गवर्नमेंट का, हम लोग उसी को हम लोग वोट दे के जितवाया वार्ड कमिश्नर, अभी तो कुछ नहीं हुआ, खुद ही देख लो ये तो सिर्फ गार्बेज वार्ड में सेल्फी पॉइंट। हाँ, मगर 3 नंबर वार्ड में कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, ये गार्बेज पॉइंट हो गया। अभी हर वार्ड में जो है लोग अगर उधर जाते हैं तो एक बार सेल्फी लेने के लिए ज़रूर सेल्फी पॉइंट के पास जाते हैं, लेकिन आपके वार्ड का जो सेल्फी पॉइंट है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी नमस्ते सर, जॉय आया हूँ, मैं पहले असमवासी हूँ, उसके बाद मैं 3 नंबर वार्ड का एक बाशिंदा हूँ, यहाँ मैं रहता हूँ। मेरा जो बात है थोड़ा अंदाज से पेश करना चाहता हूँ, इसलिए पेश करना चाहता हूँ इसलिए आदमी का शर्म बल के भी एक बात होता है ना, कोई भी एक खराब आदमी को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गाली दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा, वो भी एक बार शर्म में कुछ कर देगा। लेकिन हम लोग का यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर बाबू है, मिस्टर प्रदीप है, उसके बाद में नहीं जानता हूँ उनका टाइटल क्या है, हमको मालूम नहीं है, वो बराबर बात में रह गया और कुछ करने नहीं सका आज तक। अगर कुछ करता रहा, आज मैं ये मीडिया का सामने में तीन बार आया हूँ, 3 बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य क्या है सर, थोड़ा आप कहीं देने सकिएगा, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। हम लोग का दुर्भाग्य यही है, देखिए मेरा मुंह में पान तांबुल है और मेरा जो बदन में फुलुनी गामोसा है, जो हम लोग का शर्मान है,
इस रास्ता का नाम क्या है मालूम है आप लोग को? पुरुनी नाम है चुतिया बस्ती आरु एतियार उफ एतियार नाम होल राजाली रोड। राजाली रोड बुझी पाले राजाली रोड। किंतु अपनी शौक कैमरामैन थोड़ा दिखाइए ये राजाली रोड बोल के लगता है अपना लोग क्वेश्चन राजाली रोड बोली लगी है से करियाली रोड बोली लगी है से साला कैने का अवस्था कुरी रखी दिले एटु सक सेल्फी पॉइंट होए ना की होए मौ इतिया दिखाया हूँ रब मौ सेल्फी मारी की नहीं ते फेसबुक और दिमाग मानवर पर हुदीम एटु की सेल्फी पॉइंट होए ना की होए मौ मानवर पर हुदीम इतिया इतिया अपन लोग को रुसोते राइजर रुसोते मैं सेल्फी मारी हूँ मुझे निजर सेल्फी मारी इतिया एटु सक एटु सेल्फी पॉइंट अमर राजाली रोड एकदम चुतिया बस्ती सेल्फी पॉइंट सक। जो सड़क का परिस्थिति है आप देख सकते हैं यहाँ जो सड़क का परिस्थिति है किस तरह जो बच्चे हैं किस तरह आज इस सड़क में आते जाते हैं लोग और इसी तरह जो है एक्सीडेंट भी होता है। और जो यहाँ के वार्ड कमिश्नर है वार्ड कमिश्नर को जो है इस तरह का समस्या दिखाई नहीं देता। इसी परिस्थिति में लोग जीते हैं और इसी परिस्थिति में लोग आते जाते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा जो सेल्फी पॉइंट है जो है आप देख सकते हैं और सड़क का परिस्थिति हमारे सामने ही आपने देखा कि एक बच्चा किस तरह गिर गया और भी लोग हैं उनके पास भी जाऊंगा मैं। क्या कहेंगे आपके सामने ही एक जो है स्कूटी लेकर बच्चा एक व्यक्ति जा रहा था यहीं पे गिर गया है। जो सड़क का जो परिस्थिति है जो यहाँ का वजह से हो रहा है रास्ता का वजह से हो रहा है। रास्ता तो इतना गचरा हो गया है क्या बताएं। सब वार्ड का रास्ता सही हो गया हम लोग का 3 नंबर वार्ड का ये राजा वाली रास्ता नहीं सही रहा है। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है लेकिन सेल्फी पॉइंट तो लगता रहा जबड़ा खाना हो गया है। सेल्फी पॉइंट तो नहीं लगता है बट ये रास्ता दिन पर दिन और ख़राब होते जा रहा है और हम लोगों को बहुत दिकदारी हो रहा है और बारिश के टाइम में पानी इतना हो जाता है कि हम लोग चलने नहीं सकता यहाँ पे। आपके सामने ही एक व्यक्ति अभी तो वो कुछ नहीं है और एक दिन हुआ था वो बहुत ज़ोर से गिरा था उसका शायद हाथ भी टूट गया था। मेरा भी खुद हुआ था वहाँ पे एक्सीडेंट और क्या बोलेगा यार रास्ता बनने वाला है कि नहीं पता नहीं जी। हाँ और किस तरह का परिस्थिति है ऑन कैमरा में आपको जो स्क्रीन पे फिर से दिखा लाना चाहूँगा किस तरह एक व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल से लेके जा रहा था लेकिन आज किस तरह का एक दुर्घटना घटा हुआ स्कूटी लेके बच्चे के साथ जो है वह गिर गया और किस तरह का परिस्थिति है समाचार हम बार बार करते हैं और करते भी रहेंगे लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है जनप्रतिनिधियों को यह जो है दिखाई नहीं देता और इसी वजह से हम भी कोशिश करते हैं कि जब तक दिखाई ना दे यह समाचार लगातार करते रहे। और तिनचुकिया का जो सेल्फी पॉइंट है एक बार फिर से कहना चाहूँगा तिनचुकिया का यह सेल्फी पॉइंट नहीं रहा यह कचरे का पॉइंट बन चुका है। और जो वार्ड कमिश्नर है शायद उनके नज़र में आने के बावजूद वो नज़र में लाना नहीं चाहते।